Good morning. Welcome to Sri Sridhar English Medium School online classes. My name is Jignasha Kalani, Standard 8, Subject Sanskrit. आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर नंबर 4 का नाम है एहि सुधीर. It means come on सुधीर. अब इस चैप्टर के अंदर आपको पोयम के द्वारा आपको पूरी माहिती यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है. जस्ट लाइक अ पोयम, पूरी एक पोयम है वो हम तो इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15, चैप्टर नंबर 4, एहि सुधीर, कम ऑन सुधीर. यहाँ पे एहि सुधीर, एहि सुविक्रम यानी कि कॉमन सुधीर, कॉमन सुविक्रम चलो मेरे साथ खेलनांगणम गच्छामः. खेलनांगणम इट मींस प्ले ग्राउंड. खेलनांगणम इट मींस क्या होता है? ऑन द प्ले ग्राउंड. यानी कि कॉमन सुधीर, कॉमन विश्वविक्रम, लेट्स गो टू द प्ले ग्राउंड. चलो हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं. धावन कूर्दन चलने हम खेले हम. धावन कूर्दन यहाँ पे देखिए मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं. धावन कूर्दन चलने हम खेले हम. इट मींस विथ गेम ऑफ रनिंग जंपिंग. क्या होता है उसका मीनिंग? तो कि चलो हम प्ले ग्राउंड में चलते हैं. क्या करते हैं? वहां जाकर हम खेलते हैं, जंपिंग करते हैं, ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से स्वस्थ रहेगी. लेट्स अचीव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइक द वज्र. वज्रकायता बिंदाम. तो वज्रकायता इट मींस स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइक द वज्र. ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी जो वज्र के समान हो यानी कि कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है वो हमें हमारे अंदर जल्दी से नहीं आ सकती. यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो वो बोल रही है यहाँ पे, सबको बोल रही है चलो हम प्ले ग्राउंड में खेलते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छा रहेगा. तो यहाँ क्या बोल रहा है? लेट्स अचीव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइक वज्र बाय गेम ऑफ रनिंग जंपिंग एंड वॉकिंग. यानी कि जंपिंग करके, रनिंग करके, वॉकिंग करके हम हमारी बॉडी को वज्र की तरह मजबूत बना सकते हैं. अभी इसके बाद सेकंड देखते हैं. एहि सुशील एहि मृणालिनी यानी कि कमोन सुशील, कमोन मृणालिनी पुष्पवाटिकां गच्छाम. पुष्पवाटिकां इट मींस गार्डन, गच्छाम इट मींस चलना. चलो हम गार्डन में जाते हैं. फर्स्ट कहाँ गए थे हम? खेलनांगण यानी कि प्ले ग्राउंड में. अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? गार्डन में यानी कि गार्डन जो है उसमें. ओ सुधीर सुशील, ओ मृणालिनी, लेट्स गो टू द गार्डन. चलो हम गार्डन में चलते हैं. विविधेह पुष्पे विद्याय मालाम. इट मीन्स क्या बोल रहे हैं? बाय मेकिंग अ गार्लैंड. मालाम इट मीन्स क्या होता है? अ गार्डन यानी कि फूलों की जो गार्डन में क्या होते हैं? कई सारे फूल होते हैं. तो क्या करना है? उन फूल को तोड़ के उसकी क्या बनानी है? माला बनानी है. तो चलो हम गार्डन में जाते हैं. गार्डन में जाकर फूलों की माला बनाते हैं. कुसुम विविधे कुसुमे विविधे यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर्स है उसकी माला बनाते हैं. विघ्न विनाशक यानी कि डिस्ट्रॉय ऑफ हर्डल यानी कि विघ्न विनाशक जो श्री गणेश है उसको, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? फूल की माला बनाते हैं. सेकंड में क्या कहा गया कि चलो हम गार्डन में जाते हैं. गार्डन में जाकर बहुत ही डिफरेंट फूल होते हैं, उन फूलों की माला बनाते हैं. किसके लिए? गॉड श्री गणेश के लिए. और वो माला हम किसको पहनाएंगे? श्री गणेश भगवान को पहनाएंगे, ठीक है. ये हमारा सेकंड. थर्ड में है एहि दिनेश प्रणव गणेश यानी कि कॉमन दिनेश प्रणव और गणेश चलो हमारे साथ चलो. ज्ञान निधिं सच्चिनुयाम इट मींस लेट ऑब्टेन द ट्रेजर ऑफ नॉलेज. यानी कि हम जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है उस जगह हम जाना चाहते हैं, चलो हम वहाँ चलते हैं. एहि सारदे गिरिजे वरदे
नॉलेज, यानी कि चलो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हमें क्या मिलेगा, बहुत ही ज्ञान मिलेगा, जिस जहाँ से हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा हम वहाँ चलते हैं। फोर्थ में है तन्मा मनसा हितम चरंता, इट मीन्स वी डूइंग गुड फॉर पीपल विद आवर बॉडी एंड माइंड, यानी कि हम हमेशा हर रोज हमारे मन के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, यानी कि कभी झगड़ा नहीं करेंगे। सदा गुरुन अनुगच्छाम, यानी कि हमेशा ही जो गुरु बोलते हैं, जो टीचर बोलते हैं, उसकी आज्ञा का क्या करेंगे, पालन करेंगे। भारत मातुः सेवा सत्कारः, यानी कि मदर इंडिया शुड बी सर्व्ड एंड फेलिशिएटेड, यानी कि हम भारत देश की, भारत माता की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। देश हितार्थम जीवा, यानी कि देश के लिए, देश के हित के लिए हम जिए, यानी कि देश के हित के लिए कौन जीता है, जो सोल्जर्स है, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं वो देश के हित के लिए जीते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हमारे देश का क्या होगा, नाम ऊंचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ जो है उसमें हमने देखा कि हम गुड पीपल, यानी कि अच्छे आदमी, अच्छे इंसान बनेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे और किसी दूसरे के प्रति मन में बदले की भावना नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पोयम थी, एही सुधीर, इट मीन्स कम ऑन सुधीर। फर्स्ट में हमने देखा हम प्ले ग्राउंड में जाएंगे, अच्छी तरीके से खेलेंगे जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सेकंड में हमने देखा कि हम गार्डन में जाएंगे और माला बनाएंगे, और वो माला किसके लिए होगी, भगवान श्री गणेश के लिए होगी। थर्ड में हमने देखा कि हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और फोर्थ में हमने देखा कि हम ऐसे इंसान बनेंगे कि जिसकी वजह से हम दूसरों के प्रति अच्छी भावना रख सके और भारत माता की सेवा कर सके, अपना जीवन जो है वो देश के लिए हम रख सके, ऐसी हमें यहाँ पे सीख दी गई है। तो ये जो पोयम है वो किसने लिखी है, ये पोयम लिखी है जनार्दन हेगड़े, पोएट है इसके जनार्दन हेगड़े। ठीक है, और ये पोयम है कम ऑन सुधीर। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 थी पोयम एही सुधीर कम ऑन सुधीर, यहाँ पे हो रही है कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप सभी को पोयम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।